बच्चों कहाँ लगी है? इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि हमेशा दो पट्टियों की आवश्यकता होती है हम लोगों को। एक और बच्चा आएगा मेरे पास, सर में किसी भी चोट के लिए पहले सर फट गया, इसके तीन चार जगह फट गए, ठीक है, तीन चार जगह, सबको हमने क्या किया, बाल इसके साफ किए, आराम से हमने उसकी सफाई की जैसे उसमें हमने किया था, सबका तरीका एक ही है, डिटॉल सेवलॉन और दवाइयाँ लगा दी सब में, यहाँ दवा लगा दिया, ठीक है। आ जाओ हम लोग क्या करते हैं ना, पहले एक पट्टी को लेते हैं, कितनी पट्टी है हमारे पास, दो दो पट्टी है, ठीक है, पहले एक पट्टी को लेते हैं सर के दोनों साइड घुमाएंगे, ठीक है, ऐसे गोल। तो क्या है इसमें, इसके कान को भी बचाते हुए, बहुत बार क्या होता है ना ऐसे पट्टी बांध देते हैं तो कान में दर्द होने लगता है, फिर हम क्या करते हैं तो मरीज जो है वो ऐसे इतना परेशान हो जाएगा कि वो पट्टी खोलने के कोशिश में रहेगा। हमने कैसे किया ये देखो इधर सारे बच्चे, नहीं तो नहीं कर पाओगे बाद में। एक पट्टी ऐसे हम गोल घुमा रहे हैं और दूसरी पट्टी को हमने क्या किया है, ये बीच में से यहाँ दिया है, ठीक है, ये गोल घूमता रहेगा, ये देखो तरीके से देखो मानो अगर पूरा यहाँ कहीं भी अगर चोट होगा तो वो तो ढक रहा है ना पट्टी से, फिर दूसरी भी हमने दे दी, ठीक है, तीसरी भी हमने इधर से ऐसे लगा दिया, बाल ढक गया, ये मैं जैसे बना रहा हूँ इससे भी अच्छा आप लोगों को बना के दिखाना है। अब इसके सर में कितने भी चोट लग गए होंगे ये हटेगा नहीं, छोड़ दे ये लो यहाँ पे ऐसे पूरे सर में बगैर हम मुंह को बंद किए हुए, बगैर मुंह को तकलीफ पहुंचाए हुए, बगैर कान को तकलीफ पहुंचाए हुए पट्टी कर सकते हैं ऐसे, इसके यहाँ से उठा देंगे।